हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलम गर्ग और मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ मक्की की रोटियों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसको बनाना गाइस बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो मैंने यहाँ पर इसमें गेहूं के आटे का यूज़ किया है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है। तो साग के साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं मक्की की रोटियों की रेसिपी। तो चलिए गाइस, आज शुरू करते हैं मक्की की रोटियाँ बनाना। तो हम इसको गेहूँ के आटे में मिक्स करके मक्की की रोटियाँ तैयार करेंगे, जिनको बनाना गाइस बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। तो इसको बनाने के लिए मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है गाइस। उसमें एक कप गेहूं का आटा ऐड करेंगे और दो कप इसमें मक्की का आटा ऐड करेंगे। दोनों ही आटे को मैंने छान के पहले से रखा हुआ है। तो दोनों को मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसके लिए सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे हम। तो गाइस, इसका सॉफ्ट डो हमें तैयार करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करते जाएंगे। गाइस, सिंपल तरीके से हमें इसे डो को तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और इसको सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं, इस तरीके से सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो इसको थोड़ा सा नीट कर लेते हैं, जिससे ये बहुत ही अच्छे से प्लेन हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। तो डो को हमने नीट कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। तो इसका एक रोल तैयार कर लेते हैं। और इस पे मैंने गेहूं का आटा डस्ट किया है, तो इसको अच्छे से कोट कर लेंगे और फिर हम इसको सिंपल बेल लेंगे। तो इसको एक रोलर से हम इसको बेल लेते हैं और बहुत ही हल्के हाथों से आपको इसको बेलना होगा। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा प्रेस करके बेलेंगे तो ये चिपक जाता है, इसीलिए आपको इस पे हल्के हाथों से इसे बेलते हुए थोड़ा थोड़ा इस पे आटा डस्ट करते जाएंगे और इसको हम बेल लेंगे। और आप देख ही सकते हैं, बहुत ही इजी है गाइज इस तरीके से मक्की की रोटियां बनानी। तो 3 से 4 रोटियां हम सबसे पहले इस तरीके से बेल कर तैयार कर लेंगे और तवे को भी एक साइड हम गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। और आप देख ही सकते हैं कितना इजी है इनको बेलना, बहुत ही हल्के हाथों से आप इनको रोल कर सकते हैं। तो इनको सेक लेते हैं। तो तवा भी हमारा गरम हो चुका है, इसके लिए तवा हमें मीडियम गरम चाहिएगा। तो इसको पलट देते हैं, क्योंकि एक साइड से हमारी चपाती हो चुकी है। तो इनको सेक लेते हैं सिंपल तरीके से। हम इसे चिमटे से आज इसको सेकने वाले हैं। तो सिंपल इस तरीके से गैस पे हम इसको सेकेंगे, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी रोटी बनकर तैयार होगी। और आप देख ही सकते हैं गाइस, मक्की की रोटियां बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और चने की साग के साथ, आप पालक के साग के साथ आप इसे खा सकते हैं। तो अगर आप साग की रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक गाइड बटन में आपको मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी, तो आप उसको देख कर बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। तो देख सकते हैं मक्की की रोटियाँ बहुत ही ज़्यादा ईजी है बनाना गाइस। तो सभी रोटियों को हम सेम तरीके से बना लेंगे। तो इस पर देसी घी ऐड करेंगे, तो देसी घी लगा देते हैं इस पर, जिससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। मैंने सिर्फ मक्की के आटे से भी चपातियाँ रोटी आपके साथ शेयर की हुई है। अगर उसको वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको आई बटन में शो हो रहा होगा, तो आप उसको भी बना सकते हैं। उनको बनाना भी गाइज मैंने बहुत ही सिंपल वे में शेयर किया हुआ है, तो आई होप आज वो वाला वीडियो भी आपको पसंद आएगा। तो सभी रोटियों को सेम तरीके से बना लेते हैं। तो सभी रोटियां बनाकर हमने तैयार कर ली है और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बढ़िया रोटियां बनकर तैयार हुई हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो सभी पे देसी घी अप्लाई कर देते हैं और इनको गर्मा गर्म साग के साथ हम सर्व करने वाले हैं। मक्की की रोटियां बनकर हमारी तैयार हो गई हैं, तो इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। और इनको मैंने पालक के साग के साथ सर्व किया है, तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बढ़िया कुरकुरी रोटियां बनकर तैयार हुई हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आई होप आज का वीडियो आप सभी को पसंद आएगा।
तो इसके ऊपर बटर रख देते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और तो आप भी इस तरीके से मक्की की रोटियां बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो गाइज़ आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो पालक के साग की रेसिपी आपको आई बटन में शो हो रहा होगा, तो आप उसको बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है मक्की की रोटियों के साथ। तो आई होप आज का वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। तो गर्मा गर्म मक्की की रोटियां बनकर हमारी तैयार हो गई हैं गाइज़। मैंने इसको पालक के साग के साथ सर्व किया है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।